पुलिस पर लॉकडाउन है क्या पूरे देश में, आप बताइए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो रोज आते हैं, वॉर जोन बन गया है। इसको इसको आंख बंद करने से नहीं होगा सर, ये तो वॉर जोन बन चुका है, बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस। लेकिन अभी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जरा इस पर आप रिएक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे बिहार पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं। संजय राउत, जरा सुनाइए उन्होंने आज क्या कहा है। जब वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जिस दिन बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना का दिन आ जाएगा, उस दिन तो मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा। आप सुनिए, फिर इस पर रिएक्ट कीजिएगा जरा। गुप्तेश्वर जी, जल्दी से सुनाइए उनको। ऐसा है कि बिहार पुलिस अगर मुंबई पुलिस को ज्ञान देने लगे तो मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट को लॉक करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, देखिए ये सब राजनीति चल रही है। एक जरूर है, सुशांत सिंह राजपूत की एक डेथ है, सुसाइड है, उस बारे में मुंबई का पुलिस उनका जांच चल रही है। मैं मानता हूँ जांच पूरी हो जाने दीजिए ना, अब तक जांच का पूरा रिपोर्ट आया नहीं है। पुलिस क्या करना चाहती है किसी को पता नहीं है। पांडे जी, आपने सुना? हम उसमें इंटरफेयर करना, संजय राउत जी कह रहे हैं, संजय राउत जी कह रहे हैं कि जिस दिन बिहार पुलिस से मुंबई पुलिस को ज्ञान लेना पड़े, उस दिन तो मुंबई पुलिस को बंद कर देना पड़ेगा। मेरा बोलना कुछ भी वो उचित नहीं होगा, ये फुहड़ होगा और इससे और भी काफी तरह तरह की गलतफहमी पैदा होगी। मैं इस कुतर्क में नहीं जाना चाहता, ये विवाद में भी नहीं जाना चाहता। वो एकदम सुप्रीम है, सुपर्ब है, द बेस्ट पुलिस फोर्स ऑन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स है। वो ब्रिटिश पुलिस से भी अच्छे हैं, अमेरिकन पुलिस से भी अच्छे हैं, कनाडा पुलिस से, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मुंबई पुलिस की 34 साल का एक नौजवान मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो जीवन में सफल था, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, और कोई कारण नहीं था कि वो अपने को फांसी पर झुला ले। वो फांसी पर झूल कर मर जाता है और 50 दिन से एडीआर का इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंचती है। अब ऐसी पुलिस को मैं सलाम करता हूं, मैं मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, मैं कहूंगा ही नहीं कुछ। बिहार पुलिस बहुत खराब है, खराब पुलिस को काम करने दीजिए ना, थोड़ा प्रोफेशनली उसको सहयोग कर दीजिए ना, थोड़ा उसको सपोर्ट कर दीजिए ना। हम कह रहे हैं मुंबई पुलिस वालों को, रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि आपने गलत कहा है, समन ही नहीं दिए गए हैं। रिया चक्रवर्ती पर सर आते हैं, रिया चक्रवर्ती पर उनके लॉयर ने कहा है कि बिहार पुलिस ने उन्हें समन ही नहीं भेजा है, तो ये जो कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, ये गलत है। कहा है आपकी पुलिस? हमारी एक्यूज्ड है। हमारी अभियुक्त हैं, हमारे FIR में उनको अभियुक्त बनाया गया है। हम उनके खिलाफ एविडेंस जुटा रहे हैं। एविडेंस अगर हमको साक्ष्य मिल गए तो हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। समन क्या, वारंट उनका जारी होगा। अगर हमको साक्ष्य मिल गया तो समन की क्या बात है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर के हम आएंगे। लेकिन हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं आप, हमें तो साक्षी नहीं जुटाने दे रहे हैं आप, हमें तो अनुसंधान में बेसिक जो चीज है वो नहीं दे रहे हैं आप। हमारे पास तो FSL रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो PM रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो घटनास्थल का कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, CCTV फुटेज, और 40-45-50 आदमी किसको आपने बुलाया, किससे आपने क्या सवाल किए और क्या इन्फॉर्मेशन आई, क्या सूचना आई। अरे आप मत दीजिए कुछ भी। हमारी टीम के लोग गए थे ना, हमारे एक IPS ऑफिसर गए थे ना, आप बैठा लेते सामने और बैठा कर उनसे सामने बात करते, देखो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम तुमको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको संतुष्ट कर देते हैं, देख लो हम इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं बताओ, हमने ये पोस्टमार्टम ऐसे किया, ये FSL की रिपोर्ट देख लो, ये PM रिपोर्ट देख लो, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट देख लो, इतने आदमी को हमने इंट्रोगेट किया है, इनसे क्या इन्फॉर्मेशन आया ये देख लो और संतुष्ट हो जाओ, लेकिन हम तुमको ये डॉक्यूमेंट हैंडओवर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं। हम लौट आते, हम संतुष्ट हो जाते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम सुशांत के पिता से भी कहते और पूरी दुनिया से बोलते मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल ढंग से, बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर रही। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम मुंबई पुलिस पर भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जेन बताइए अंजना जी, देश में मैसेज क्या जा रहा है, आम जनता में क्या मैसेज जा रहा है। एक IPS ऑफिसर जा रहा है, उसको बंदी की तरह रात में 11 बजे जा करके आप उसको हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं। संदेश क्या जा रहा है जनता में, संदेश क्या जा रहा है अंजना जी? आपको पूरा देश जानता है, आप इतने पॉपुलर एंकर हो, आपका भी बहुत अनुभव है, आप बताइए आपको क्या मैसेज जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि आपको छुपाना चाहते हो, हमें काम नहीं करना दे रहे चाहते हो। हमारे 4 जो टीम के लोग हैं आज छुप गए, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे,
क्योंकि उनको भी आप क्वारंटाइन करने के लिए खोज रहे हैं। अरे जिस दिन गए उसी दिन उनको क्वारंटाइन कर लेते तो हम एक आईपीएस अफसर को इस तरह से भेजते ही नहीं, उसको बेइज्जत होने देते ही नहीं। ये पूरे आईपीएस ऑफिसर बिरादरी की बेइज्जती है जो हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।